खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में ब्रिजेश पटेल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जहां पर फूलपुर ग्राम सभा में जन सहभागिता सेवा समिति और विशाल भारत सेवा संस्थान के विशेष आग्रह पर उप जिलाधिकारी पिंडराम मणिकंडम ए ने जन सहभागिता क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया और साथ ही साथ फूलपुर बाजार में पैदल निरीक्षण भी किया। आइए पूरे मामले को जानने के लिए देखते हैं। जन सहभागिता सेवा समिति व विशाल भारत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज फूलपुर क्रिकेट मैदान स्थित जन सहभागिता क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए गए उप जिलाधिकारी पिंडरा मणिकंडम ए ने क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन करने के बाद जन सहभागिता सेवा समिति व विशाल भारत सेवा समिति के पदाधिकारियों के विशेष आग्रह पर तत्काल बाजार का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी पिंडरा पदाधिकारियों ने इस बात से अवगत कराया कि विगत पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी यहां नहीं आए, जिससे यह पूरा क्षेत्र विकास कार्यों के लिए उपेक्षित पड़ा है। इससे जिलाधिकारी ने पूरे बाजार का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान जूनियर हाई स्कूल के बगल में बने नाले, फूलपुर चौराहे के जल निगम के तरफ बने नाले व बाजार में बने नालों की साफ सफाई और उनकी मरम्मत कार्यों के लिए उप जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात करके इसे फौरन दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। इस दौरान फूलपुर ग्राम सभा व बाजार के वरिष्ठ नागरिक श्रीराम पटेल, ओम प्रकाश सिंह, शंभुनाथ गुप्ता, संजीवन पटेल, कैलाश पटेल के साथ जय प्रकाश पटेल, सुल्तान अली, किशन सेठ, विशाल गुप्ता सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
का मार्ग गया है, उधर से गुड़िया आई है, ताला पे मिला है और वो गुड़िया अंग्रेजों के जमाने की है, हम अपने जमाने में उगारे थे, मरतबा बहा तो 6 फुट नीचे हो गई है। अब इसको श्रीमान जी 30 फुट की लंबाई है, अगर इसको अब सड़क से 1 फुट नीचे पुलिया डाल दें, और अभी आपको थोड़ा सा अवगत कराएंगे कि बनिया बेचारे अपने दरवाजे के सामने इतना इतना पक्की जुड़ाए हैं कि घर में पानी घुस जा रहा है, सिर्फ पुलिया के बीच में गई पानी। प्रधान जी का उनका कोई प्रॉब्लम है जरूर आइए, पर्यावरण के बारे में और जल संरक्षण के बारे में साहब को एक पत्र लिख करके हम देंगे। ये सरकार को देखिए, ऐसे ही आला अधिकारी जो है ये सरकार को अवगत कराते हैं, मंत्री विधायक क्या कर, विधायक से 10 वर्ष बाद इस नाले के लिए मैंने कर चुका, हाँ हाँ बाजार वाले टूटा ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बस अलग अलग समस्या में ब्रिटेन में आपको दोस्तों मैं विशाल पटेल आज खबर सवंसी में एक बार फिर से आ चुका हूँ फूलपुर ग्राम सभा में। यहाँ पे पता चला कि पैदल मार्च कर रहे थे SDM पिंडरा, उनके बारे में जानते हैं कि क्या SDM साहब यहाँ पे आए तो आप लोगों से मुलाकात की, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या जांचा और परखा, उसके बारे में उन्होंने आपसे क्या कहा? जी आपका नाम? मैं ओम प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ जी। और आज SDM साहब आप सबके ग्राम सभा में आए थे, उन्होंने देखा हमने कि पैदल मार्च कर रहे थे, तो पैदल मार्च करने के बाद उन्होंने क्या क्या कमियां पाई हैं? हाँ मैं अंतिम क्षण में पहुंचा और वो जो पानी की टंकी है वहां पर मुलाकात हुई है जी, और उन्होंने उनको मैंने एक बहुत ही जन सामान्य की समस्या को बताया कि जो चक्रोड गया हुआ है जी, जी। वो नाली के रूप में है जिस पर कि ऑलरेडी 50% से ज़्यादा चक्रोड बन गए हैं, तो मेरा अनुरोध था कि इस नाली का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसको इसका लैंड कन्वर्जन करके जो नाली है उसको चक्रोड में करके और उसको तत्काल कर दिया जाए, जिससे 100-125 आबादियाँ हमारी उधर पीछे हैं उनको आने जाने में सुविधाजनक हो। जी धन्यवाद। वहाँ पे और सारे लोग थे, उनसे जानते हैं कि आज आप सामने आ जाइए, आप SDM साहब के साथ आप चल रहे थे, हमने देखा कि क्या आपको क्या लगता है कि SDM साहब आपके गांव में आए और आपकी चीज़ों को जाना, तो क्या लगता है आपको कि वो कार्रवाई करवा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं SDM साहब जिला अधिकारी का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि वो हम लोगों के गाँव में आए और हम लोगों की समस्या को सुने, और हम लोग ने तमाम समस्या दिखाया, जैसे हम लोग के सर्वप्रथम जो समस्या फूलपुर बाजार की बनी हुई है वो नाला को लेकर है और जल निगम के पानी को लेकर है, जल निगम का पानी हर जगह टूटा फूटा मिला, उसको भी हम लोग ने SDM साहब से अवगत कराया, SDM साहब खुद अपने आँखों से देखे और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग चिट्ठी बना के हर कार का अलग अलग विवरण दीजिए, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे और जो भी रोडें टूटी फूटी हैं उस पर कार्रवाई होगी, और हमें यकीन है कि ये हमारे जो SDM साहब हैं ये ज़रूर कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये सच्चे और ईमानदार हैं। क्या इसके पहले भी काम को आप लेके गए थे तहसील पे, कभी कार्य हुआ है या नहीं इसके बारे में बताएंगे? इसके बारे में बहुत बार आला अधिकारियों को और सांसद को विधायक को सभी को अवगत कराया गया है, और हमारे बुजुर्गों ने भी अवगत कराया, भी हमारे दादाजी भी कह रहे थे कि उन्होंने अवगत कराया, कई बार अवगत कराया, लेकिन सभी लोग आते हैं और समस्याओं को सुनते हैं लेकिन उसका निवारण नहीं करते हैं, तो इस समस्या जटिल हो चुकी थी, इसलिए हम लोग SDM साहब को यहाँ पर हम लोग बुलाया गया था, NGO के जो हमारे सहभागिता सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे सुल्तान भाई हैं और ये सब टीम उन लोग ने बुलाया था, तो SDM साहब यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने उनकी समस्या को बताया, हमें यकीन है कि ये समस्या सुनी जाएगी। चलते हैं समिति के अध्यक्ष के पास कि उनका क्या कहना है, जब आप SDM साहब को आज यहाँ पे बुलाए थे किस समस्या को लेके, मूल समस्या आपकी क्या थी? मूल समस्या हमारी ये थी कि हम लोगों का जो नाला है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो सिंधोड़ा मार्ग से करोल बस्ती तक जो है नाली की व्यवस्था ही नहीं हुई, वो अभी तक बना हुआ ना, इसके लिए हम लोगों ने अप्लीकेशन दिया, जल निगम के लिए अप्लीकेशन दिया और सर ने बोला कि वो उस पर फंडिंग का काम हो रहा है जल निगम पे और नाले का भी जल्द से जल्द काम हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने रोड के लिए अप्लीकेशन दिया था सिंडोरा रोड पे, जो कि 2 दिन पहले कहे थे और सर ने 2 दिन के अंदर ही वो काम करवा दिया।
कहने का मतलब आपका है कि एसडीएम के पास आप पहले भी जा चुके हैं, जिसपे आपको देखने को मिला है कि ये कार्रवाई करवा देते हैं, इसलिए आपने अपने गांव में बुलाया था। जी धन्यवाद। कुछ लोग और हैं जानते हैं आज कि ग्रामीण समस्या फूलपुर की ग्राम की जो समस्या है उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका परिचय? मैं राम सजीवन बोल रहा हूँ, मैं ग्राम का निवासी हूँ और एसडीएम साहब के आने की खबर जब तुरंत मिली, हम साइकिल से दौड़ते हुए आए और भेंट भी हुई। एसडीएम साहब का स्वभाव देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा काम जरूर हो जाएगा। बच्चों का जो प्रॉब्लम है, जो रोड का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, इसको अगर साहब कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि साहब के आने से मतलब हमारे दिल में यही अनुमान हुआ कि साहब अगर हमारे घर आते हैं तो हमारा काम जरूर होगा। जी मैं बता दूं, अभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे 10 साल से फूलपुर ग्राम सभा में 10 साल से कोई अधिकारी आया ही नहीं है, तो आपका क्या कहना है इसके विषय में? अधिकारी तो बातें छोड़ दो यार, जो छोटे मोटे बड़े छोटे मोटे अधिकारी हैं वो जैसे मालूम होता है कि मेरी कही हुई बात को सुने ही नहीं, ऐसा जान ऐसा माहौल बन चुका है। ऐसा माहौल बन चुका है, बड़ी गंदी राजनीति हो गई है। इस राजनीति को देखते हुए अगर साहब मेरे घर आए और हम किसी काम के लिए जाए, साहब मेरे घर आए और काम ना हो, तब तो बड़ी निंदनीय सी बात है। होगा मेरा काम, क्योंकि साहब मेरे सामने आए, मुझसे बात किए, आश्वासन दिए, तो होगा जरूर। जी हम लोग चलेंगे। जी धन्यवाद।